नमस्कार दोस्तों, तैयारी जीत के चैनल पर आप सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। रसायन विज्ञान की जो है हम तैयारी कर रहे थे UP SSC लोअर PCS हेतु। अब आपको जो है अन्य विषयों के भी MCQs मिलने लगेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि एक महीने में जितनी बेहतरीन तैयारी मैं आपकी करा सकूँ उतनी करा दूँ। हर सब्जेक्ट के स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स मैं तैयार कराने की कोशिश करूँगा। हमने 700 क्वेश्चंस जो है स्टार्ट किए हैं, आज 586 से जितने पीछे तक हो सकता है अगले 20 मिनट में हम देखेंगे क्वेश्चंस को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आपके सामने क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। देखिए क्वेश्चन किस तरह से जो है घुमाया गया है, इसी को जो है सुमेल कर देगा तो बताना पड़ेगा कि फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, सोचिए। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। चींटी से सुमेल होगा फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक एसिड ये पाया जाता है सिरका में जो चाउमीन में डलता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में, ठीक है, खट्टे फलों में। और ऑक्सैलिक अम्ल जो है वो सेब में पाया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? लाल चींटी। निम्नलिखित में से किस एक में एथानोइक एसिड होगा? एथेनोइड एसिड, एक नया एसिड आपको पता चला, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए अगर आपके पास नोट्स तैयार करते हैं तो। एथेनोइक एसिड, तो 588 का सही जवाब क्या होगा, सोचिए। पता है आपको इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सफेद सिरका। अभी मैंने आपको बताया था एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरका में। एथेनोइक एसिड भी किस में पाया जाता है? सफेद सिरका में। ये सिरके की एक अलग वैरायटी है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो यहां पर सही जवाब क्या होगा, एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल। एक चीज और जान लीजिए, जो नेल पॉलिश होती हैं वुमेन्स जो नेल पॉलिश साफ करने के लिए जिसका प्रयोग करती हैं वो होता है एसीटोन, ठीक है, याद रखना चाहिए, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। विनेगर किससे बना है? विनेगर, 591 प्रश्न, विनेगर किससे बना है? यहां पर सही जवाब क्या होगा, एसिटिक एसिड। सिरके के ऊपर हमने कई सारे प्रश्न देख लिए, सिरका क्या है, तनु एसिटिक एसिड, ग्लैसिकल एसिटिक एसिड, ग्लैसिकल फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक से तो कोई लेना देना है ही नहीं, पहले दो ऑप्शन में ही इसका जवाब छिपा हुआ है, वो है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल की कमी हो जाती है। जब हम इसी क्वेश्चन को घुमा करके UP PCS में पूछा गया था कि अधिक एक्सरसाइज करने से जो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है वो किस कारण से होता है, तो लैक्टिक अम्ल की कमी से, ठीक है। दही में मुख्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है? बेंजोइक, फ्यूमेरिक, लैक्टिक, मैलिक। तो यहाँ पर 594 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड को यूज़ किया जाता है फलों को संरक्षित रखने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। मैलिक एसिड जो है वो सेब में पाया जाता है, सेब में कई तरह के एसिड्स पाए जाते हैं, उनमें से एक मैलिक भी है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो रिक्त स्थान का उत्पादन होता है, किसका, लैक्टिक एसिड का, ठीक है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल यानी कि एसिड का प्रयोग किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड, बताइए। फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक एसिड का जो है प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी, नोट डाउन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? ये क्वेश्चन तो सभी जानते होंगे, ऑक्सैलेट है,
कैल्शियम ऑक्सैलेट, इसको रख लीजिए, काफ़ी बेसिक और कॉमन क्वेश्चन है एसएससी का, यूबीपीसीएस का, एनटीपीसी रेलवे का। तो 597 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्सैलेट। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? देखिए ये भी काफ़ी सरल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑक्सैलिक नहीं होगा, फॉर्मिक नहीं होगा, एसिटिक नहीं होगा, साइट्रिक होगा, ठीक है। तो 598 का सही जवाब है ऑप्शन ए। खट्टे फलों में क्या होता है? खट्टे फलों में अगर ऑप्शन में टार्ट्रिक एसिड है तो सबसे पहले आप टार्ट्रिक एसिड को लगाएंगे, अगर टार्ट्रिक नहीं है तो सिट्रिक को लगाएंगे। अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अमीनो एसिड, टार्ट्रिक एसिड, फ्यूसैनिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, तो यहाँ पे हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड। अमीनो एसिड हमारी बॉडी में भी बनता है और बाहर से भी जो है कई फलों में पाया भी जाता है, ठीक है। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सी यौगिक हमेशा बनता है? मेथिल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, एथिलीन, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इथाइल अल्कोहल। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सके ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, इसलिए उस गैस में क्या मिलाया जाता है, हवा में क्या प्रसार किया जाता है? तो 573 का जो है सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, इथाइल मरकैप्टेन। यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है, वहाँ पे ऑप्शन केवल मरकैप्टेन था, ठीक है, इथाइल मरकैप्टेन। ये एक गंध जो है, गंध सहित गैस होती है जिससे कि हमें लगता है कि गैस लीक हुई है। स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि जो है बर्फ़ ना जम सके? प्रोपाइल अल्कोहल, इथेनॉल, मेथनॉल, एथिलीन ग्लाइकोल, तो सोचिए क्या होगा सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, ठीक है, ठंडे प्रदेशों में एथिलीन ग्लाइकोल। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि, अभी हमने पढ़ा यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था, अब एसएससी का पूछ लिया गया है कि वो जो है पेट्रोल के जो है हिमीभवन को रोकता है, ऑप्शन सी, पेट्रोल को जमने नहीं देता है और ये सिर्फ ठंडे प्रदेशों में ही होगा। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? सिम्पसन, वाटसन, लिस्टर, कोलवे, तो 576 का जो है सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, सिम्पसन। अब एक क्वेश्चन सिम्पसन से ही बनता है कि चक्रवात को किससे मापा जाता है? चक्रवात जिस तरह से भूकंपीय तरंगों के लिए सिस्मोग्राफ होता है, रिक्टर स्केल जो है यूज़ किया जाता है, भूकंप से सुमेल किया जाता है, उसी तरीके से चक्रवात से अगर कभी पूछा जाए तो साफिर सिम्पसन, ठीक है, याद कर लीजिएगा साफिर सिम्पसन। क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रव, ईंधन, संवेदनारक, फॉस्जीन। फॉस्जीन एक जो है ये ऐसी गैस होती है जो हमारी बॉडी में भी बनती है और गंधयुक्त और ज्वलनशील गैस होती है, ठीक है, अग्निशामक। तो यहाँ पर जो 577 का सही जवाब होगा उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 और 3। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? 578 सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। आंसू गैस का घटक कौन सा है? दो गैस होती हैं कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक तो आंसू गैस और दूसरा लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस तो N2O होता है, लेकिन यहाँ पे आंसू गैस जो पुलिस यूज़ करती है भीड़ को छितर बितर करने के लिए, तो बताइए इसमें से कौन सा है, उसका सूत्र क्या होगा? 579 सही जवाब है क्लोरोपिक्रीन। क्या होगा सही जवाब? क्लोरोपिक्रीन, ऑप्शन डी। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसू गैस का रासायनिक नाम, केमिकल नेम, वो है ऑप्शन ए, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कंटेंट पूछा गया था तो कंटेंट है क्लोरोपिक्रीन और उसका रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रबल लघुकारी एजेंट।
फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा फॉर्मेलिन। बेकेलाइट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं बर्तन और जो उसका पीछे की तरफ जो हैंडल होता है वो बेकेलाइट होता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के सुमेल से बनता है बेकेलाइट। कार्बोजिलिक अम्ल नहीं है, कौन सा? कार्बोजिलिक अम्ल नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये भी। और इसका सही जवाब हो जाएगा पिक्रिक अम्ल। ठीक है, पिक्रिक अम्ल में कार्बन नहीं है, जबकि फॉर्मिक, सिट्रिक, टार्ट्रिक इन सभी में कार्बन जो है पाया जाता है। मधुमक्खी को दंश से एक अम्ल छूटता है, यानी कि मधुमक्खी के काटने पर एक एसिड जो है छूटता है, जिसके कारण दर्द और जलन दोनों होता है। तो वह अंतर जो है क्या अम्ल जो है छोड़ता है मधुमक्खी के काटने पर, कौन सा एसिड रिलीज होता है? तो 585 का सही जवाब क्या हो जाएगा? मीथेनोइक एसिड। आपको याद रखना है, चींटी जब काटेगी तो फॉर्मिक अम्ल और मधुमक्खी काटेगी तो मीथेनोइक अम्ल। ठीक है, 585 का सही जवाब होगा मीथेनोइक एसिड। इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ध्यान से देखें। फल पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला जो है केमिकल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? क्वेश्चन ये है 557, यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कैल्शियम कार्बाइड, एसिटिलीन, इथाइलीन। ठीक है, पता होना चाहिए। ओरलॉन, ओरलॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है? एसएससी का क्वेश्चन। 558 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्रिलोनाइट्राइड। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन पे कई बार प्रश्न बने हैं, टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? 559, यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? हम उल्टे गति से चल रहे हैं दोस्तों, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, आप सिर्फ प्रश्नों पे ध्यान दें। तो यहाँ पे 560 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? देखिए, ये टेफ्लॉन के ऊपर कई क्वेश्चन बने हैं। पहला तो टेफ्लॉन क्या है, झारखंड पीसीएस में, फिर यूपी पीसीएस में पूछ लिया गया है, और फिर बिहार पीसीएस में। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो 561 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कहाड़ी के निर्माण में किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 562 सही जवाब है ऑप्शन डी, टेफ्लॉन। किसमें ये क्वेश्चन जो है हम छोड़ सकते हैं, इस तरह के प्रश्न जो है नहीं आने चाहिए यूपी ट्रिपल एससी में। ये देख लीजिए, C6H14 कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयवी संभव है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथिल अल्कोहल। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? वुड स्प्रिट किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए, मेथिल अल्कोहल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? यूपी ट्रिपल एससी का जो है प्रश्न है, तो ये प्रश्न नोट डाउन कर लीजिएगा, रिपीट हो सकता है क्योंकि प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी का प्रश्न है, 567 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? एथेनॉल, बेहतरीन प्रश्न है।
इसका सही जवाब हो जाएगा गन्ना। गन्ने की जो खोई होती है उससे एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है, चावल की भूसी जो होती है उससे प्राप्त किया जा सकता है, जेट्रोफा जो है उससे प्राप्त किया जा सकता है, रतन जोत से प्राप्त किया जा सकता है, ये एक तरह का जैविक ईंधन है। ठीक है, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? 569 सही जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी एथेनॉल। स्प्रिट क्या होता है? संशोधित सैचुरेटेड स्प्रिट क्या होता है? 570 सही जवाब है, 95% इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि रिक्त स्थान पानी से कम होता है। बताइए, अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील यानी कि वेपराइज जल्दी हो जाता है अल्कोहल, क्यों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उसका क्वथनांक। जी हाँ, इसका क्वथनांक जो है पानी से कम होता है। आगे बढ़ते हैं, सी एफ सी क्लोरो फ्लोरो कार्बन ग्रीन हाउस गैस है और इसके जो क्लोरीन के अणु हैं वो ओजोन लेयर में डिप्लीशन कर देते हैं। ओजोन लेयर जो कि हमारी सुरक्षा करता है पृथ्वी की, किससे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जिससे कि स्किन कैंसर हो सकता है, आंखों की बीमारियां हो सकती हैं। पृथ्वी की जो है परत को बचाता है ओजोन लेयर। अच्छा, अब ओजोन गैस भी जो है एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है, ये भी पता होना चाहिए आपको। क्लोरो फ्लोरो कार्बन हेलोजेंस हाइड्रोकार्बन्स, इस तरह की ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। उस कहाँ यूज़ होता है? फ्रिज में यूज़ होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, और जो है रेफ्रिजरेशन में यूज़ होता है, बड़े बड़े रेफ्रिजरेशन में। इसके अलावा एसी में यूज़ होता है, कैंस में, क्लोरो फ्लोरो कैंस में यूज़ होता है। क्लोरो फ्लोरो कार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, तो इसको हम जो है किस नाम से जानते हैं? 542 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रियोन। अब देखिए, एच लग गया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तो 543 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन। किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होगी? क्लोरो फ्लोरो कार्बन नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन। 544 का सही जवाब है ऑप्शन ए क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ऊष्मारोधी क्षमता। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रक्षेपित्रों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि कौन सा कूलेंट जो है घरेलू रूप में यूज किया जाता है? तो वो है आपका फ्रियॉन। 545 का सही जवाब है ऑप्शन सी। इथेन गैस का स्वाद किस प्रकार का होता है? तो इसका स्वाद मीठा होता है। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हमें पता है गर्म हवा के जो गुब्बारे हैं वो किससे भरे जाएंगे? वो भरे जाते हैं प्रोपेन से, जो कि ऊपर की तरफ उड़ते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं, पता होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ब्यूटेन। एलपीजी यानी कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या है? 549 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ब्यूटेन। फिर से सुने, 549 यानी कि एलपीजी का मुख्य आधार क्या है? ब्यूटेन। द्रवित ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? सही जवाब है एलपीजी। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपसे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस में पूछा जा सकता है कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है, मुख्य कंटेंट कौन सा है। सही जवाब क्या होगा? ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है, ये पूछा है, और इम्पोर्टेंट घटक कौन सा है? मीथेन। घटक नहीं है फिलहाल तो ये बताना है आपको। तो 551 का सही जवाब है ऑप्शन 551 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसका घटक नहीं है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक युद्ध के रूप में उपयोग में लाया गया था?
तो 552 का सही जवाब क्या होगा? वो है ऑप्शन डी, मस्टर्ड गैस। विषाक्त मस्टर्ड गैस कैसी होती है बताइए? विषाक्त मस्टर्ड गैस किस प्रकार की होती है? तो ये एक तरह का लिक्विड द्रव के रूप में होती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? 554 का सही जवाब है ऑप्शन बी, एथीन। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती हैं? सही जवाब है पॉलीथीन। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस का क्या नाम है? एसिटिलीन, एथिलीन। तो यहाँ पर जो है सबसे उपरोक्त आंसर एसिटिलीन है, लेकिन एथिलीन का भी प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक एसिड का भी किया जाता है। तो फल को पकाने में कई एसिड का जो है प्रयोग किया जाता है। देखना होगा कि ऑप्शन में क्या दिया है। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहा जाएगा? 526 का सही जवाब क्या होगा? मार्स गैस। मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या हैं? तो प्रमुख घटक इसके हैं मार्स गैस। मार्स गैस के प्रमुख घटक मीथेन है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? 528। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, मीथेन। ठीक है, मीथेन एक ज्वलनशील गैस है। धान के खेत, पशुओं का एकत्रित होना, आर्द्र भूमि, ये सभी जो है मीथेन गैस के उत्सर्जक जो है माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्रों में अधिकतर निकलती है? तो मैंने बताया मीथेन। जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है? मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या है? CH4, एक ज्वलनशील गैस है। उत्तर प्रदेश PCS में 2010 में पूछा गया। धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए IAS में भी प्रश्न पूछा गया था कि मीथेन गैस कहाँ कहाँ से निकलती है, तो मीथेन गैस चारों जगह से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 532 का सही जवाब क्या होगा? 532 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धान के खेत, कोयले का खनन, आर्द्र भूमि और पालतू पशु। जैव गैस में मुख्यतः क्या होता है? जैव गैस में मुख्यतः क्या होता है? 533 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य कंटेंट क्या है? इसका भी सही जवाब हो जाएगा मीथेन। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? उपलब्ध पूछा है, तो 535 का सही जवाब हो जाएगा मीथेन। मीथेन का सूत्र भी याद कर लीजिएगा, CH4, ये ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। खदानों में अधिकांशतः विस्फोट होते हैं, क्यों? क्योंकि हवा के साथ मीथेन का मिश्रण हो जाता है। CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी है? तो मीथेन है। जबकि नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन ये जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? तो वो है आपकी 539 का सही जवाब क्या होगा? सोचिए, पता है आपको इसका जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा मीथेन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स और मीथेन, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? तो देख लीजिए, क्लोरीन अगर जुड़ गया है और वो भी फ्लोरीन के साथ, तो समझ लीजिए वही है। यहाँ पे 540 का सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी कि यहाँ पर है ऑप्शन सी। 540 का ऑप्शन है सी, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं दोस्तों। जी हाँ, सी इसका सही जवाब है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किस किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो हम जानते हैं क्लोरीन की गोलियां बांटी जाती है सरकार द्वारा, तो वैसे क्लोरीन घातक होती है, क्लोरीन गैस, ये भी आपको पता होना चाहिए। जहाँ भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहाँ पे स्पेशल दिशा निर्देश दिए होते हैं क्लोरीन को जो है के बारे में कि ये किस तरह की गैस है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है? 460 सही जवाब क्या होगा?
यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन 460 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी क्लोरीन। यहाँ पर 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है दोस्तों, इसके बाद हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और अधिक से अधिक लोग लाइक करें। पूरा करेंगे इसको हम 700 क्वेश्चंस को, पीछे से चल रहा है और आशा करता हूँ कि इनमें से क्वेश्चंस ज़रूर आ जाए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।